सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ईशान को जैसे ही पता चलता है कि सभी जो है वह रीवा से मिलने के लिए उसके घर पर गई है, तो वह बिना कुछ सोचे समझे पहुंच जाने वाला है सभी के पास, और वहां पर जा करके वह सभी को रोकने की कोशिश करेगा। उसे लगता है कि सभी इस बार भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी, और इसीलिए वह बहुत ही जल्द वहां पर पहुंच जाता है। उसके पहले सभी जो है जो करने गई थी वह कर देती, यानी कि वह रीवा के सामने एक बात साफ करना चाहती है कि उसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, या रीवा मैम की अपनी खुद की सोच थी कि उन्होंने इस बारे में इस तरह से सोचा। वह तो सिर्फ और सिर्फ रीवा मैम को यह बताना चाहती थी कि जिस तरह से वह सभी को रोकती टोकती हैं तो वह गलत है और उसको कितना हर्ट करता है। इसीलिए उसने रीवा मैम से यह सारी चीज़ें कह दी, और रीवा मैम ने उसका यहाँ पर इस तरह से मतलब निकाल लिया था और घर छोड़ करके चली आई थी। इसी बात को लेकर के पूरा भोसले परिवार जो है सभी के खिलाफ हो गया था। ईशान भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ होता हुआ नजर आया। इसीलिए सभी जो है सबके नाराज़गी को दूर करने के लिए रीवा को मनाने की कोशिश करने गई है, और वहाँ पर सारा जो कुछ भी है साफ साफ कहने गई है। लेकिन रीवा की माँ को बड़ा अजीब लगता है कि आखिर यह लड़की चाहती क्या है, क्योंकि रीवा की माँ चाहती है कि रीवा ईशान को भूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर सभी जो है वह कुछ ऐसा कर देने वाली है जिससे कि रीवा की उम्मीदें फिर से जागने वाली है ईशान के लिए, और एक बार फिर से वह कहीं ना कहीं भोसले परिवार में जाने की पूरी कोशिश भी करने वाली है, क्योंकि उसे एक उम्मीद जो है वह बची हुई दिखाई देगी। सभी जो है वह रीवा मैम से साफ कर देने वाली है कि जैसे ही उसकी ताई ठीक हो जाएगी तो वह भोसले परिवार को छोड़ करके चली जाएगी, और उनके लिए भोसले परिवार का दरवाज़ा खुला है और हमेशा खुला ही रहेगा। और यही एक उम्मीद जो है रीवा के मन में घर कर जाती है, ईशान को फिर से पाने का। और यहाँ पर रीवा की जो माँ है वह सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हुए नज़र आने वाली है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर उसकी बेटी जैसे ही ईशान को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई तमाशा फिर से खड़ा हो जाता है, और इस बार तमाशा कोई और नहीं बल्कि सभी करने वाली है। अब यहाँ पर ईशान जैसे ही जा करके सभी को रोकने की कोशिश करेगा तो सभी नहीं रुकने वाली है, और वह ऑटो में बैठ करके आगे बढ़ जाएगी। ईशान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो जाता है कि आखिर इस जिद्दी लड़की को कैसे समझाया जाए, क्योंकि वह अपनी गाड़ी में बिठा करके उसको घर ले जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सभी ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया और ऑटो में बैठ करके चली गई। ईशान जो है वह सभी से एक बार फिर से नाराज़ होते हुए नज़र आने वाला है, और उससे घर में जा करके एक सवाल ज़रूर करने वाला है, जिससे कि सभी जो है वह काफी ज्यादा परेशान हो जाने वाली है और सोचने वाली है कि इन लोगों के लिए चाहे जितना अच्छा कर लो लेकिन वह उन सबको यहाँ पर सही कर ही नहीं पाएगी, यानी कि अपने लिए तो कुछ सही सोचने के लिए मजबूर कर ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि वह सबकी परेशानियाँ दूर करने की कोशिश कर रही थी और उल्टा एक बार फिर से ही खुद ही परेशान होते हुए नजर आएगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।